बहरूपिया शैतान। पहला भाग में आपने देखा था कि वे दो बहन रहते हैं, जिसमें से एक बहन दिमागी हालत से कमज़ोर रहती है और एक बहन स्वस्थ रहती है। उसकी बहन हर समय किसी न किसी से बात करते रहती थी। वे अपने से भी बात करती थी, जिससे उसकी बड़ी बहन परेशान रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी बहन चमत्कार करने लग गई, भविष्यवाणी करने लग गई, तो उसने सारे मसीही भाई बहनों को बताया। फिर मसीही भाई बहन उसके घर आए और उससे प्रार्थना करवाए। उनका पास्टर भी उनके घर आया और प्रार्थना किया। फिर उसी रात पास्टर के स्वप्न में स्वर्गदूत आया और बताया कि जिस लड़की को तुम यीशु की आत्मा समझ रहे हो, वह शैतान की आत्मा और दुष्ट आत्मा है। फिर पास्टर साहब उठ करके उसके घर जाते हैं। अब देखें आगे। जय मसीह की। नहीं, बैठिए बैठिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेके नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने आया हूँ। बैठिए। यही बताने आया हूँ कि आपकी बहन के अंदर दुष्ट आत्मा है। ये क्या बोल रहे हैं पास्टर साहब? ये बिल्कुल सही बात है, हालांकि मुझे भी ऐसा नहीं लगा था, लेकिन आपकी बहन के अंदर दुष्ट आत्मा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप तो खुद आकर के देखे हैं। वो अच्छा गीत गाती है, प्रेयर करती है, चंगाई कर रही है, सबको बारे में सब सब बताइए, सही सही बताती है। फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है? बिल्कुल, मैं भी ऐसी सोच रहा था, लेकिन कल रात को परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे स्वप्न में आकर के मुझे बताया और उसने मुझे इस बात को आपको बताने बोला। और ये बिल्कुल सही है, जिस प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम बाइबल खोलते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है। हम भी ऐसी सोच रहे थे कि वो यीशु का आत्मा है या फिर परमेश्वर ने हमें बात करने का मौका दिया है उस छोटी के जरिए, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर तो यहाँ पे वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, स्वप्नों के द्वारा बात करता है, लेकिन आज तक के किसी मनुष्य के अंदर घुस करके ऐसी कोई आत्मा है ही नहीं जो हमसे बात कर सके। जैसे कि हम दूसरा कुरिन्थी 11 का 14 पढ़ेंगे। जैसे कि दूसरा कुरिन्थी 11 का 14 में क्या लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थी 11 का 14 देखिए, यहाँ पर देखिए 11 का 14 में लिखा हुआ है कि यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही गंभीर बात है, कोई अचंभे की बात नहीं ये कह रहा है। वो कह रहा है कि ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण भी कर सकता है शैतान, है ना। दूसरा कुरिन्थी पौलुस बता रहा है इस बात को। और यहाँ पर फिर और हम देखेंगे कि एक एक दुष्ट आत्मा तो प्रचार कर रहा था, बता रहा था, है ना। और कहाँ पे था? प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में जब हम इस बात को देखते हैं तो वहां पे पता चलता है हमको कि वहां पे पौलुस था। 16 से 18, 16 अध्याय का 16 से 18 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने वाली का अर्थात है भविष्यवाणी करने वाली आत्मा। तो छोटी के अंदर भी भविष्यवाणी करने वाली आत्मा है, और भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ काम कमा लेती थी, यानी कि कमा के लाती थी, यानी कि उसको रखे थे और वो कमाती थी, लोगों को भविष्यवाणी करती थी तो लोग उसको पैसा देते थे, है ना, इस प्रकार से। फिर वहां पर पौलुस, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास। देखिए उनको बुला रही है, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। इस प्रकार से वो प्रचार कर रही है, पौलुस लोगों को बता रही है, परमेश्वर के लोगों को बता रही है। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करते रही, परंतु पौलुस एक दिन क्या हुआ, दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई।
तो इस घटना से भी हमें पता चलता है कि आज जितने भी चिन्ह चमत्कार या भविष्यवाणी हो रही है वो यीशु के तरफ से नहीं हो सकती, और होगी भी तो परमेश्वर आज हमें बताता है कि हमें प्रभु परमेश्वर के ऊपर कैसे विश्वास करना चाहिए। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय पढ़ते हैं, 20 अध्याय का 30-31 पद में क्या लिखा हुआ है, यीशु ने और भी चिन्ह चेलों के सामने दिखाए हैं जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो यहाँ पर मसीही लोगों को जीवन पाने के लिए और विश्वास करने के लिए कोई चंगाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि आज उसके वचन के अनुसार हमें विश्वास होता है और वो विश्वास के जरिए ही हम उद्धार प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे लिए आज परमेश्वर ने बताया हमें, और मुझे कल स्वप्न में भी ये बात को बताया कि वो दुष्ट आत्मा है तुम्हारी बहन के अंदर, तो उसे बुलाओ और फिर हम प्रार्थना करेंगे और वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी और तुम्हारी बहन भी ठीक हो जाएगी। तो आज हम सभी लोग यही विश्वास कर रहे थे कि उसके अंदर ईश्वरीय आत्मा है, लेकिन वो ईश्वरीय आत्मा नहीं है। हाँ, तुम बुलाओ और अभी पता चल जाएगा। ठीक है, जय मसीह की, बैठो। तो आज परमेश्वर हमें बताएगा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है कि ईश्वरीय आत्मा है ना? ये छोटी नहीं है बल्कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। बताओ तुम कौन हो? मैं छोटी हूँ। नहीं हो तुम छोटी? आपको नहीं पता है कि मैं इसकी बहन हूँ? मैं छोटी हूँ। तुम छोटी जरूर हो लेकिन तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है। बोलो तुम दुष्ट आत्मा हो ना? मैं यीशु हूँ। तुम दुष्ट आत्मा हो ना? मैं यीशु हूँ। नहीं, तुम दुष्ट आत्मा हो। मैं यीशु हूँ। तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा ही है, मुझे परमेश्वर ने बताया है। तुम्हारा पोल खुल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा ही है, तुम दुष्ट आत्मा ही हो। हाँ, मैं दुष्ट आत्मा हूँ। तुम दुष्ट आत्मा, देखे इसके अंदर दुष्ट आत्मा, यीशु की आत्मा नहीं है। देखे ये पोल खुल गया है, अब बताओ इसके अंदर तुम क्यों आए हो? तुम लोग को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, इसलिए मैं तुम लोग को जाल में फंसा रहा था, और तुम लोग को भरमाना भी बहुत आसान है। तुम लोगों के मन में चंगाई का लालच भरा हुआ है, इसलिए मैं तुम लोग के साथ खेल रहा था, और इस लड़की के अंदर बहुत दिन से रह रहा हूँ। मैं तुझे इस लड़की का जिस्म और आत्मा को बर्बाद करने नहीं दूंगा, और परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है और तू इसको छोड़ करके आज ही निकलेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ और ये आदेश देता हूँ कि यीशु के नाम से इस दुष्ट आत्मा को अभी निकालूंगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस लड़की के अंदर से वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से इसी वक्त निकल जाए। उठाओ अपनी बहन को, वो ठीक हो चुकी है, प्रभु उसे चंगाई दे चुका है। उठा के बैठाओ यहाँ। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है दीदी। पानी लेके आऊं? नहीं। आज तुम्हारी बहन को परमेश्वर ने बचा दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। इसी प्रकार से आज बहुत सारे मसीही भाई बहन शैतान के वश में हैं, शैतान के बातों को मान रहे हैं, क्योंकि शैतान उनको भरमा रहा है, और आज तुम्हारी बहन के जरिए ही बहुत सारे मसीह भाई बहनों को ये शिक्षा मिला है, तो परमेश्वर का धन्यवाद। मैं उस परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ और पास्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप दोनों बहनों को आशीष दे। चलिए मैं चलता हूँ, मेरी बहन की जिंदगी संवार दी। ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।
प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 10 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।